हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पवन। आज है हमारी क्लास नंबर 2 ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि हमारी आरएस अग्रवाल से है। एक्सरसाइज है हमारी सेकंड बी। पहले लेक्चर में हमने किया था 2A, तो देखिए 2B का फर्स्ट क्वेश्चन। 2B का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 3, -2, 1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px = x³ - 2x² - 5x + 6 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। यानी कि आपको गिवन है 3, -2, 1 और द जीरोस, ये दिए हुए हैं। और आपका जो पी एक्स है, पॉलिनोमियल है, वो क्या है आपका, वो है आपका x³ - 2x² - 5x + 6। तो आपको क्या करना है, इसमें रिलेशन भी फाइंड करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, जो 3 है उसे रख दीजिए इसमें, फिर 2 है उसे रख दीजिए, फिर 1 को रख दीजिए। तो रखिए p 3, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब - 2 * 3 का स्क्वायर - 5 * 3 + 6। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 27, ये हो जाता है आपका 9 * 18, ये हो जाता है आपका 15 और ये है 6। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। फिर आप रखेंगे p - 2, तो फिर से रखेंगे, अब 2 रख दीजिए इसमें, 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब - 2 * 2 का स्क्वायर - 5 * 2 + 6। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, 8 - 4 * 2, यानी कि 8 - 2 है ना, सॉरी एक्चुअली ये भी -8 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -2 का होल क्यूब होगा तो -8 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -8। अब इधर आपने 2 रखा है तो इधर भी -2 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, +10 + 6, तो ये 16, यानी कि ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखेंगे आप p1 रख के देखेंगे तो क्या, 1 का क्यूब यानी कि 1 - 2 * 1 का स्क्वायर - 5 * 1 + 6, तो 1 - 2 - 5 + 6, तो ये इससे कट जाएगा आपस में, 7 - 7 = 0 हो जाएगा। तो ये होने के बाद आपको क्या पता चलता है कि ये इसके जीरोस हैं। आपने ये वेरीफाई करा दिया कि ये इसके जीरोस हैं एंड 1 are the zeros of px, ये इसके जीरोस हैं। अब आपको रिलेशन जो फाइंड करना है वो क्या है, लेट मान लीजिए सपोज जो आपका अल्फा है वो है 3, बीटा है वो है आपका -2, बीटा है जो वो क्या है -2 एंड गामा है वो क्या है 1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² / x³। तो ये भी रखने पर क्या आएगा, 2 ही आएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट निकालेंगे आप तो α * β + β * γ + γ * α, ये रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6 - 2
और प्लस 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, बीटा माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो आपको माइनस 2 हो जाएगा, फिर गामा माइनस अल्फा गामा इंटू अल्फा करेंगे तो 3 वन 3 हो जाएगा तो 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 माइनस 5। अब आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब इस तरीके से लिख सकते हैं, तो भी क्या आ जाएगा माइनस 5 ही आ जाएगा। जैसे कि कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है आप पोलिनोमियल में देखिए माइनस 5, तो माइनस 5 रख लेंगे, और एक्स क्यूब का क्या है 1, तो 1 अपॉन में कर दीजिए तो माइनस 5 भी आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका अल्फा बीटा और गामा निकालेंगे तो 3 इंटू माइनस 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है आपका 6, तो माइनस है तो माइनस 6 हो जाएगा, और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस 6 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन सेम है, अब आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हूज जीरोस आर माइनस 2 एंड माइनस 3 एंड माइनस 1, यानी कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस दिए हैं आपको, जीरोस क्या दिए हैं माइनस 2 माइनस 3 एंड माइनस 1 दिए हैं, तो आप क्या लिखेंगे लिखेंगे इफ द zeros of the cubic polynomial are a, b and c, then the cubic polynomial can be found as, यानी कि आपको क्या करना है एक इक्वेशन होता है क्यूब की फॉर्म में, जिस तरीके से अगर आपको अगर तीन कंडीशन इस तरीके से दिए जाए तो आपको क्या करना है एक इक्वेशन लिखना है x क्यूब माइनस a प्लस b प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स और माइनस ए बी एंड सी, ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट। तो अब आपको क्या करना है जो आपके जीरोस दिए हुए हैं वो आपको ए बी सी के तौर पर इसमें पुट कर देने हैं, क्या कर देने हैं ए है आपका ये बी है ये एंड सी है आपका ये, तो इस तरीके से आपको पुट कर देने हैं, तो पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, तो ए क्या है माइनस 2, ये क्या है माइनस 3, ये है माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि माइनस 6 बी सी यानी कि सॉरी ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, प्लस बी इंटू सी यानी कि 3 और c इंटू ए यानी कि प्लस 2 एक्स माइनस 2 3 जा 6 वो भी कैसा माइनस का माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस का 6 ये हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस एड कीजिए 2 3 5 एंड 1 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस 6 माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस
6, 3, 9, 9, 2, 11 यानी कि ये हो गया आपका 11x, 11x प्लस 6 जो कि यही आपका आंसर है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन सेम है, अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन सेम है, अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन fx इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय अ पॉलीनोमियल gx, gx से डिवाइड किया जाता है, वी गेट 2x माइनस 1 एज क्वोटिएंट एंड x प्लस 3 एज रिमाइंडर, फाइंड gx। तो आपको fx दिया हुआ है, आपको जो gx है वो फाइंड करना है, जो आपका क्वोटिएंट दिया है वो दिया है आपको 2x माइनस 1 और रिमाइंडर जो दिया है वो दिया है आपको x प्लस 3। तो होता है आपको फाइंड करना है gx। तो एक कंडीशन होती है कि जो आपका fx है अगर वो लेके आना है आपको, तो आपको क्या करना होता है, जो gx है जिसे हम डिवाइड देते हैं तो उसे क्या करना है आपको, पहले लिखिए इनटू क्वाड्रेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या 2x माइनस 1 और प्लस कर दीजिए रिमाइंडर को, क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए रिमाइंडर को, रिमाइंडर क्या है आपका, रिमाइंडर है आपका x प्लस 3। तो x प्लस 3 है, तो जब आप इसे ऐसे करेंगे तो gx है कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे क्योंकि पावर क्यूब में है, तो अब आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो gx की जगह यही पुट कर दीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट 2x माइनस 1 प्लस x प्लस 3। तो ये कर देंगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 2ax क्यूब प्लस 2bx स्क्वायर प्लस 2cx माइनस ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c प्लस x प्लस b प्लस 3 x प्लस 3 ये हो जाएगा। जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2ax क्यूब। अब आपको क्या करना है, इसमें से और इसमें से क्या लेना है x स्क्वायर कॉमन ले लेना है, क्या ले लेना है x स्क्वायर कॉमन ले लेना है। तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2b माइनस a बचेगा, क्या बचेगा जब आप इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2b माइनस a ये बचेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से और इसमें से x को कॉमन ले लेना है, क्या कर लेना है x को कॉमन ले लेना है तो क्या बचेगा 2c माइनस बी प्लस 1 ये बचेगा। अब ये क्या माइनस 3 माइनस सी प्लस 3 बचेगा इधर। अब आपको क्या करना है, जो आपकी जो fx दिया है उसे इक्वल्स टू में लिख लेना है 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस की कंपेयरिंग कर देनी है। तो क्या आपको दिख रहा है कि क्यूब पावर इसमें है तो इसकी इससे तुलना होगी, तो क्या 2a इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, तो 2 से 2 काट दीजिए तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू 2 आते ही अब आपको क्या करना है, अब x स्क्वायर के बारे में c के बारे में ले लीजिए तो माइनस सी प्लस 3। अब इधर कॉन्स्टेंट क्या है, ये तो वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो इधर से भी तो कॉन्स्टेंट लेना है, कॉन्स्टेंट क्या है 1, तो 1 है तो माइनस 3 माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस के 2, 2 से माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए तो सी इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो जैसे ही सी इज इक्वल्स टू 2 आएगा
अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाला कंपैरिजन भी दिखा देना है। तो 2b माइनस ए इज इक्वल टू क्या रख देना है, माइनस 8 कर देना है। अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके 2 जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू माइनस 6, इसे ये काट दीजिए तो b इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये आ गई आपके वैल्यूज आ गई इसकी कंपेयरिंग करने पर। अब जब आप gx, आपने अभी क्या gx को क्या लिया, ये रहा। अब आप क्या करेंगे, a की वैल्यू रखी है तो क्या हो जाएगा, ये 2x square। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है माइनस 3, तो माइनस के 3x प्लस c क्या है आपका 2, तो ये आपकी gx बन गया। यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, यही आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 6 क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन कह रहा है, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 बाय x प्लस 3 एंड वेरीफाई द डिवीजन अलॉगरिथम। तो यानी कि जो डिवाइड करना है वो आपको क्या करना है, दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15, तो ये किसे डिवाइड करना है, बाय x प्लस 3। इसे डिवाइड करना है तो डिवाइड करते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 x प्लस 3, x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। जब आप 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आपका प्लस 6x, तो माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5x माइनस 15, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 5, तो माइनस 5x, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15, साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 0 बचेगा, यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो अभी आपको क्या करना है, जो आपका डिविडेंड है क्या है, जो आपका डिविडेंड है वो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 है, इसको अभी आप क्या करना है, डिविजन एलॉगरिथम से बनाना है। तो इसके लिए प्रोसेस होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वाड्रेंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर, क्या होता है प्लस रिमाइंडर। तो अब आप क्या करेंगे, तो लिख दीजिए डिविडेंड क्या है आपका, और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 है, और क्वाड्रेंट क्या दिया है आपको, और 2x माइनस 5 दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, डिविजर दिया हुआ है x प्लस 3, और रिमाइंडर दिया आपको 0। तो अभी आप इसे लिख देंगे 2x, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x माइनस 5x और माइनस 15, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15। तो ये है आपकी डिवीजन एलॉगरिथम। तो ये है आपका 6 का आंसर। तो ये था आपका 6 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था, ये 6 क्वेश्चन था। अब देखते हैं आपका 7 क्वेश्चन सेम है, 8 क्वेश्चन सेम है, 9 क्वेश्चन सेम है। अब देखते हैं 10th, 10वां प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज 10th, तो जो आपका 10th है डिवाइड करना है सेम, जो आपका 10th है
टेंथ में बोल रहा है वो, इट बिगिन गिवन दैट टू इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स. तो जो आपको एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स दिया हुआ है, तो आपको इसका एक ही जीरो दिया है जो कि टू दिया है. क्या दिया हुआ है? टू दिया है. तो अभी आप इसमें क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो रख लीजिए और एक्स की जगह जो आपको एक जीरो दिया हुआ है टू, उसे इसमें पुट कर लीजिए टू. तो अब आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, क्योंकि ये हालांकि एक्स है. अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें टू पुट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? टू पुट कर रहे हैं. तो टू का क्यूब एट माइनस, ऐसा कर लीजिए टू का क्यूब माइनस फोर टू का स्क्वायर प्लस टू प्लस सिक्स, इस तरीके से एट माइनस सिक्सटीन प्लस टू प्लस सिक्स जीरो आ जाएगा. जीरो आने के बाद इसका मतलब क्या है कि ये जीरो, इसका जीरो है. तो एक्स इक्वल्स टू टू रखा हुआ है, तो अभी आप इसे एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो रख लीजिए और इसे इसे डिवाइड दे दीजिए. क्या करेंगे, डिवाइड दे दीजिए एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स में, इसे एक्स माइनस टू से आप डिवाइड दे दीजिए. जब आप डिवाइड देंगे तो क्या होगा, इधर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब. जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, साइन चेंज ये कट जाएगा, तो ये प्लस है तो क्या बचेगा, माइनस के टू एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस एक्स. तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के टू एक्स आ जाएगा. टू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या, फोर एक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस. तो ये क्या बचेगा, माइनस के थ्री एक्स प्लस का सिक्स. तो एक्स से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का थ्री, तो थ्री एक्स, थ्री का मल्टीप्लाई टू में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस सिक्स. तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा. तो अभी आप जैसा कि आपको पता है एक तो आपको दिया हुआ है, तो अब आप निकालेंगे तो क्या, एक्स माइनस दो है एक, और सेकंड क्या है आपका दिया हुआ है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री. जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस टू, और इसे पूरा सॉल्व करने पर, हालांकि मैं इसे पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा. तो जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री, और इसे इक्वल टू जीरो पुट कर लीजिएगा. तो इसे एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो रखने पर एक्स इक्वल टू टू आ जाएगा, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो रखने पर तो ये क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो रखने पर एक्स इक्वल टू थ्री आ जाएगा. तो अभी आपके जो जीरोज हैं वो तीनों, वो क्या हो गए, तीनों जीरो हैं, वो है वन टू वन एंड थ्री. ये है आपके आंसर. बट एक्चुअली टू तो उसने पहले से ही दिया था, तो वो उसका हो सकता है कि उसमें आपके आंसर्स में से दो को हटा दे और क्या दे दे, वन एंड थ्री दे दे, क्योंकि टू तो उसका पहले से था ही, ठीक है ना. तो ये है आपका टेंथ का आंसर. नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन. तो 11 क्वेश्चन में कह रहा है इट इज गिवन दैट माइनस वन इज वन ऑफ द जीरोस, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन है. जहां आपको 10th क्वेश्चन में आपको एक जीरो दिया था जो कि टू था, अब इसमें दे दिया है माइनस वन, और आपको सेम टू सेम सब कुछ सेम टू सेम उसी तरीके से कर देना है. तो यानी कि 11वां क्वेश्चन सेम है. अब इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इफ वन एंड माइनस टू आर टू जीरोस, तो यानी कि आपको टू जीरोस दिए हैं, वन एंड माइनस टू दिए दिए हैं, ठीक है ना. अब वो उसने एक पॉलिनोमियल दिया है, उसे आप मान लीजिए सपोज एफ एक्स दिया है या कुछ भी लिख लीजिए, तो वो दिया है आपको
लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन, ये दिया है। अब आप लिखेंगे सिंस वन एंड माइनस टू आर टू जीरोस, क्या है टू जीरोस ऑफ एफ एक्स, इट फॉलोज दैट ईच वन ऑफ एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस टू इज अ इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो अभी आप क्या करेंगे, कॉन्सिक्वेंटली एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, तो ये इक्वल्स टू है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर। हमने क्या कर दिया इसमें, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस वन एक्स, यानी कि वह एक्स बचेगा और टू वन जर टू यानी कि माइनस का टू आ जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स ऑफ एफ एक्स। तो डिवाइड करने पर ऑन डिवाइडिंग तो डिवाइड कर दीजिए इससे, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, किस में डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन, इसमें आपको क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करते समय आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये इधर क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, क्या आएगा एक्स आएगा, तो इधर हो जाएगा एक्स क्यूब, और जब आप इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के टू एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस, इससे ये कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा माइनस माइनस, तो ये बचेगा फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का, ये क्या बचेगा माइनस फाइव एक्स, ये बचेगा और प्लस क्या बचेगा टेन बचेगा। अब डिवाइड करते हैं तो क्या माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर वो भी कितने टाइम में, फाइव टाइम से आएगा, फाइव का मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस फाइव एक्स, फिर टू का कीजिए तो यानी कि प्लस का टेन, प्लस प्लस माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए तीनों को, क्या बचा जीरो बचा। तो जो आपका एफ एक्स है वो क्या है जो एक तो उधर ही लिखा हुआ है अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू ब्रैकेट और एक क्या है एक्स माइनस फाइव, तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू और एक्स माइनस फाइव इसको टू जीरो रख दीजिए इसे, ठीक है ना। जब आप इसे जीरो रखेंगे तो एक्स माइनस वन इजक्स टू जीरो, तो एक्स इजक्स टू वन आ जाएगा, एक्स प्लस टू इज टू जीरो रखेंगे तो एक्स इजक्स टू माइनस टू आ जाएगा, एक्स माइनस फाइव इज टू जीरो रखेंगे तो एक्स इज टू फाइव आ जाएगा। जब ये आ जाएंगे तो आप लिख सकते हैं हेंस द थर्ड जीरो इज फाइव, यही आपका आंसर है। तो ये आपका आंसर नंबर 12, कौन सा है आंसर नंबर 12 है आपका ये। अब क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है इफ 3 एंड माइनस 3 आर टू जीरोस, यानी कि आपको टू जीरोस दिए हैं जैसा कि अभी इसमें दिया था, यानी कि क्या क्या दिया है इसमें दिया है आपको 3 एंड माइनस 3 दे दिया है, इक्वेशन आपको चेंज कर दिया है, इक्वेशन है आपका एक्स की पावर फोर प्लस
एक्स क्यूब माइनस 11x² - 9x प्लस 18। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 13। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। तो अभी आपको इक्वेशन चेंज कर दिया गया है, तो अभी आप क्या लिखेंगे? जो सेंस लिखा हुआ है यहां से चेंज कर दीजिए, 3 and -3 आर टू जीरोज ऑफ fx। इट फॉलोज दैट ईच वन ऑफ जो अभी क्या था, तो इधर हो जाएगा एक्स माइनस थ्री और क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी कर दीजिए 3 and 3, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कीजिए एक्स स्क्वायर 3x - 3x, 3x से 3x कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अभी आप आगे देख सकते हैं, जब आप डिवाइड करेंगे तो इस डिवाइडिंग प्रोसेस को मिटा दीजिए, अब आपको डिवाइड करना है तो क्या है इक्वेशन लिखिए x³ + x³ - 11x² - 9x + 18। तो आपका है क्या x² - 9, तो आप कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² और ये हो जाएगा x⁴। और x² मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये -9x² तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 2x² और ये क्या हो जाएगा x³। इधर से इधर इसे भी लिख लीजिए 9x + 18। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा x + x, तो ये हो जाएगा आपका x³। जब आप x का मल्टीप्लाई करेंगे 9x में, तो ये क्या हो जाएगा आपका -9x, तो ये क्या माइनस, ये प्लस, तो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो अब आप क्या रहेगा माइनस का 2x² + 18। तो जब आप इसका इसमें करेंगे तो क्या रह जाएगा माइनस का 2, तो -2x² और -2 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो क्या हो जाएगा +18। तो जब आप इसका साइन चेंज करोगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो आपका fx हुआ, जो आपका fx है वो 0 है। तो आपके पास एक तो पहले से ये है, तो अभी आप इसमें क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे x² + x - 2, ठीक है ना, ये और एक लिख देंगे x² - 9। तो जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो इसे सॉल्व करने पर आएगा x - 1 और क्या आ जाएगा x + 2 आ जाएगा। ये आपको पता है, ये a² - b² का फॉर्मूला है, तो क्या कर देंगे x - 3 और एक में x + 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा, तो = 0 रख दीजिए इसे भी, तो 0 रखने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x = 1 और ये आ जाएगा x = -2 और ये आ जाएगा x = 3 और ये आ जाएगा x = -3। तो हेंस ऑल द जीरोस आर 1, -2, 3 and -3। ये है आपका 13 का आंसर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। आपका 14 क्वेश्चन सेम है, 15 भी सेम है, 16 भी सेम है, 17 भी सेम है, इवन 18th जो क्वेश्चन है वो भी सेम है अगर आप देखेंगे तो। बट आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसका लैंग्वेज है वो थोड़ा सा घुमा दिया है। क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ x³ + 4x³ - 2x² - 20x - 15 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √5 and -√5। तो आपको दिया गया है, ये देखिए, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम थिंग्स हैं, और जो ये है इसे हटा दीजिए, तो
तो ये क्या है आपका, ये है आपका अनरूट फाइव एंड माइनस अनरूट फाइव, जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन है आपकी x की पावर 4, इसे चेंज कर लीजिए, इक्वेशन दी है आपको x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15, ये दिया हुआ है, इधर आप चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा अनरूट 5, ये हो जाएगा माइनस अनरूट 5, तो यहाँ भी चेक चेंज कर दीजिए, अनरूट 5, यहाँ भी अनरूट 5, तो जब आप यहाँ भी चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अनरूट 5 का, तो 5 रह जाएगा। अब इसके बाद आपको डिवाइड का मेथड हटा देना है क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, डिवाइड करना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5 से, आपकी जो पॉलीनोमियल का इक्वेशन है वो क्या है, x की पावर 4, 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15, ये दिया हुआ है, तो अब आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x की पावर 4, अब जब आप x की x स्क्वायर का माइनस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, तो जब प्लस में से ये जाएगा तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर बचेगा, इधर क्या बचेगा 4x क्यूब, इसे भी लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा प्लस 4x, 4x क्यूब, जब आप 4x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 20x, तो ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट, तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 15, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा आपका प्लस 3, तो 3x स्क्वायर और 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो माइनस का 15, तो ये माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अभी जैसा कि आपने लिखा था, इधर लिख लीजिए, इधर आगे यहाँ से क्वेश्चन, जो एफ एक्स है वो क्या हो गया 0 इक्वल टू लिख लीजिए, तो एक तो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5 और सेकंड क्या है आपका ये बना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको इक्वल टू 0 रख लीजिए, तो एक में क्या हो जाएगा एक्स माइनस अनरूट 5, एक में क्या हो जाएगा एक्स प्लस अनरूट 5, क्योंकि वर्गांतर का यानी कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पर आएगा आपका x प्लस 1 और x प्लस 3 इक्व टू 0, तो क्या हो जाएगा x इक्व टू अनरूट 5 और x इक्व टू माइनस अनरूट 5, माइनस अनरूट 5 और x इक्व टू माइनस 1 और x इक्व टू माइनस 3, तो हैंस All the zeros are क्या क्या हैं? अनरूट 5 माइनस अनरूट 5 और क्या है कॉमा माइनस 1 एंड माइनस 3, ये आपका ये क्वेश्चन है आपका 18th, तो ये आपका 18th का आंसर है और आपकी ये एक्सरसाइज यही समाप्त होती है, यही खत्म होती है, तो Please like, share, comment and subscribe our channel. Thank you so much for watching my video.